हम टीवी के बेहतरीन ड्रामा सीरियल परिजात की मशहूर अदाकारा जिसके नाम से हर कोई वाकिफ है। नाज़रीन, उनके मुतालिक हम आपको बताते चले कि उन्होंने एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की है। उनका नाम मुकम्मल तफसील हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे घंटे के बटन को दबाकर आल को सेलेक्ट करना नहीं भूलेगा। इससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहेंगी और ये बिल्कुल फ्री है। चंदा से अदाकारी का आगाज करने वाली अदाकारा मिशेल खान ने इंकशाफ किया है कि माजी में वो ईटिंग डिसऑर्डर यानी खाने पीने की बेतरतीबी जैसे मसाइल का शिकार थी, जिस वजह से वो मरते मरते बची। मिशेल खान के मुताबिक इनके क्लास फेलोज ने मोटापे या जायद वजन को बदसूरती के साथ जोड़ दिया था, यानी इनके दोस्तों की नज़र में फरबा मोटा होना अच्छी बात नहीं थी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि बचपन में मोटापे के बाद उन्होंने वजन कम कर लिया था, मगर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी गई तो उन्होंने गोश्त और अंडों समेत कई इस तरह की गजाएं खाना शुरू कर दी जो कि वजन बढ़ाती थी। उन्होंने इंकशाफ किया है कि ईटिंग डिसऑर्डर में मुबतला होने की वजह से वो 3 बार मौत के मुंह में जा चुकी हैं और मरते मरते बची हैं। मिशेल ने एक वाकया बताया जिसमें वो बस में सफ़र कर रही थी कि अचानक इनकी आंखों की बिनाई चली गई और इन्हें लगा कि अब इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अदाकारा का कहना था कि आँखों की बिनाई चले जाने के बाद उन्होंने खुदा से माफ़ी मांगी और मदद मांगी और खुदा से वादा किया कि अब वो बच गई तो अच्छे काम करेंगी और लोगों की मदद भी करेंगी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मिशेल खान ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो शोबीज ही उनके लिए सब कुछ है और अगर वो एक्टिंग ना करती तो वो मर जाती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि शोबीज से रिलेटेड वीडियो हम तक आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।